हेलो स्टूडेंट बच्चे, अपन नेक्स्ट मेथड ठीक है रीड्स द लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड शुरू करना है। ठीक है, ये भी जिवें पहला मेथड से ना पिछली वीडियो से वेरिएशन मेथड, ठीक है वेरिएशन मेथड ये भी एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। ये भी अप्रोक्सीमेट मेथड सीगा ना, ये भी एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। ठीक है बच्चे, दोनों ही अप्रोक्सीमेट मैथड है। ठीक है, इन बस लीनियर कंबीनेशन उन्हें आप वे फंक्शन ट्रायल लेंगे से इस भी ट्रायल लेना है। बस इस आप करना है, इनका नाम लीनियर कंबीनेशन के है, तो आप जो वे फंक्शन लेना है वो लीनियर कंबीनेशन होगा वे फंक्शन का। मान लो अपने को एच टू सिस्टम है, तो इन दो न्यूक्लियाई है, तो इन दो वे फंक्शन होंगे साई वन तो साई टू। ठीक है, साई वन तो साई टू, तो जोड़ा वे फंक्शन आप लेना है एनर्जी की, एनर्जी द एक्सप्रैशन, एनर्जी का एक्सप्रैशन की सगा ठीक है, जिहड़ा भी आपां वेव फंक्शन लैना बच्चे उहदे च आपां पुट करना है ये। ठीक है, एक्सप्रैशन वो जिहड़ा भी वेव फंक्शन होना चाहिए लीनियर कंबीनेशन होना चाहिए, जिवें सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू। ठीक है, लीनियर कंबीनेशन हो गया, तो इनू आपां जिहड़ा एनर्जी का एक्सप्रैशन इत्थे पुट कर दो। ठीक है, जिवें एनर्जी का एक्सप्रैशन की है ए वाला, इहदे च पुट कर दो साई नू की पुट करांगे बच्चे। जे अपने कोल ना रीयल वेव फंक्शन है तो साई स्टार ते साई इक्वल ही हुंदे आ। ठीक है, तो इतने साई की वैल्यू साई स्टार के इक्वल ही होगी सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू एच कैप, फिर इतने पुट कर दो सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू। ठीक है बच्चे, नीचे सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू, ये दो वेव फंक्शन है ना, ये दोनों इक्वल ही है, तो इनका स्केयर ही पुट कर दो, एक वैल्यू लिख दो डी टाओ डी टाओ। ठीक है बच्चे, तो हुण एग्जैक्ट वेव फंक्शन केड़ा होगा, जिवें आपां इह वेव फंक्शन लिया इह सही उत्थे आपां ट्रायल लैंदे सी, तां जिहड़ी एनर्जी वैल्यू आह कंडीशन फॉलो करदी सी वेव फंक्शन सही हुंदा सी। इहदे च आपां नूं किवें पता चलो कि आपां वेव फंक्शन सही चूज़ कीता, इह च आपां ना मिनीमम वैल्यू ऑफ एनर्जी फाइंड आउट कर लांगे। वह किद्दां फाइंड आउट करांगे, आपां जिहड़ी आह इक्वेशन है इहदा डेरीवेटिव पहलां सी वन नाल लवांगे फिर सी टू नाल लवांगे, फिर उहनूं जीरो दे इक्वल पुट कर दांगे। इन्हें को अपने इन्हें अपने को सी वन तो सी टू वैल्यूज़ आ जाएगी, इतों दो इक्वेशन आ जाएगी, दो इक्वेशन तो फ्रॉम टू इक्वेशन अपने को सी वन तो सी टू की वैल्यू आजूगी। ठीक है, तो वह सी वन तो सी टू की वैल्यू इतने पुट कर दौ, अपने को आजूगा वेव फंक्शन। ठीक है बच्चे, जी अपने को मान लो तीन इलैक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है जो थ्री इलैक्ट्रॉन सिस्टम है, तो अपना वेव फंक्शन इतने जिमें दो इलैक्ट्रॉन सिस्टम सेगा इतने अपने को, ठीक है जिमें मान लो टू जिमें टू न्यूकलाई सके, तो टू वेव फंक्शन का लीनियर कंबीनेशन होगा, जो थ्री न्यूकलाई हो गए थ्री थ्री वेव फंक्शन का लीनियर कंबीनेशन होजूगा। ठीक है बच्चे, तो इन वास्ते भी एनर्जी की वैल्यू फिर उवें डेरीवेटिव लोगे सी वन के विद रिस्पैक्ट टू सी टू के विद रिस्पैक्ट टू सी थ्री के विद रिस्पैक्ट टू। ठीक है, जीरो पुट कर दो तो उनके कोरसपोंडिंगली तुहाडे कोले वैल्यूज आ जाएगा सी वन सी टू तो सी थ्री की आ वैल्यू उपर पुट करके तुहाडे कोले साई आ जाऊगा। सो दिस इज आलसो एन अदर अप्रोक्सीमेट मैथड इज लीनियर कंबीनेशन मैथड। ठीक है बच्चे, बच्चे नैक्सट टाइम किन्ने तो किन्ने दा पाया है बंद बना।